अब हम अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल वीडियो की शक्ल में हमारे एक भाई का है, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम उबैदुर रहमान है। मैं बहुत सारे मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग बैठ कर सुन्नत पढ़ते हैं, तो बैठ कर सुन्नत पढ़ना सही है या गलत, लोग पूछा जाता है हमारे टीवी से, प्लीज़ रिप्लाई दीजिए मुझे। ये हमारे उबैद रहमान भाई हैं, इनका सवाल ये है कि ये बहुत सारी मस्जिद में जाते हैं और ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग बैठ कर सुन्नत पढ़ते हैं, तो बग़ैर किसी उज्र के बैठ के सुन्नत पढ़ना सही है गलत, ये जानना चाहते हैं। सवाल से जाहिर है कि बैठ कर सुन्नत पढ़ते यानी फ़र्ज़ नहीं पढ़ते हैं, गोया कि ये वो लोग हैं जो फ़र्ज़ खड़े होकर पढ़ते हैं और सुन्नत बैठ कर पढ़ते हैं, तो ये तरीका मेरे भाई गलत है। अगर फ़र्ज़ नमाज है और उसके साथ आगे पीछे की जो सुन्नतें हैं उन्हें आप खड़े होकर पढ़ सकते हैं, तो आपको बिला वजह बैठ के नहीं पढ़ना चाहिए। सही बुखारी की मशहूर हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सल्लू कमा रई तुमुनी ओसली, नमाज वैसे ही पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो। तो हमने आपसे वसल्लम की ज़िंदगी में कभी नहीं अहादीस की रोशनी में ऐसा पाया कि आपसे वसल्लम फ़र्ज़ नमाज खड़े होकर पढ़ते हों, सुन्नत बैठ कर पढ़ते हों। इसलिए फ़र्ज़ नमाज हो सुन्नत हो सबको खड़े होकर ही पढ़ना चाहिए। जब रुकू का वक्त आए रुकू करना चाहिए, सजदे का वक्त आए सजदा करना चाहिए, बैठने का वक्त आए बैठना चाहिए, लेकिन पूरी नमाज बैठ के नहीं पढ़नी चाहिए, इल्ला ये कि कोई शख्स माजूर हो। अगर किसी के पास उज्र है वो खड़ा नहीं हो सकता तो वो बैठ सकता है, लेकिन वो सारी नमाज़ों में बैठेगा, फ़र्ज़ भी ज़ाहिर है बैठ के पढ़ेगा, सुन्नत भी बैठ के पढ़ेगा। ये नहीं हो सकता कि एक आदमी कहता है कि मैं फ़र्ज़ खड़े होकर पढ़ सकता हूँ अब सुन्नत बैठ के पढ़ूँ, ऐसा नहीं है। अगर वो खड़ा हो सकता है तो सारी नमाज वो खड़े होकर पढ़े, और अगर माजूर है तो कोई मसला नहीं है, वो फ़र्ज़ भी बैठ के पढ़ सकता है सुन्नत भी बैठ के पढ़ सकता है। अलबत्ता एक चीज़ और वाज़े कर दिया जाए आपके सामने कि आप ससलम की सुन्नत से ये भी मिलता है कि आप ससलम रात की जो नमाज़ पढ़ते थे वो 11 रकात होती थी, इसमें आप ससलम शुरू में सारी रकतें खड़े होकर पढ़ते थे, लेकिन बाद में आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती हैं कि बाद में अल्लाह के नबी ससलम अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में कभी कभी आप बैठ कर भी आखिर में 2 रकत पढ़ा करते थे। तो ये जो 2 रकत आप ससलम बैठ कर पढ़ा करते थे वो आखिरी वक्त में कमज़ोरी की वजह से पढ़ा करते थे। तो जो तहज्जुद की नमाज़ है, जो एक लंबी नमाज होती है, लंबी किरत होती है, तो उसमें अल्लाह के नबी ससलम की सुन्नत से ये गुंजाइश मिलती है कि अगर कोई आदमी तहज्जुद पढ़ रहा हो तो उसके लिए ये गुंजाइश है कि वो आखिर में 2 रकत बैठ के पढ़ सकता है। लेकिन आप ससलम से ये चीज़ भी कभी कभार मिलती है, हमेशा नहीं मिलती है, इसलिए और वो भी आप ससलम की ज़िंदगी के आखिरी मरहले में मिलती है, यानी गोया कि जो ज़यीफ़ हैं कमज़ोर हैं बूढ़े हैं वो लोग अगर तहज्जुद की नमाज़ में आखिर में बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं, बैठ के 2 रकात पढ़ सकते हैं, बाकी शुरू की नमाज़ वो खड़े होकर पढ़ेंगे, इल्ला कि माजूर हों मजबूर हों तो वो सारी तहज्जुद भी बैठ के पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन ये जो सवाल पूछा गया है कि मस्जिद में जा के इन्होंने बैठ के नमाज़ पढ़ते हुए देखा, तो मस्जिद में तो फ़र्ज़ नमाज होती है या फ़र्ज़ नमाज़ के आगे पीछे की सुन्नतें होती हैं, तो इन नमाज़ों में बग़ैर उज्र के बैठ के नहीं पढ़ना चाहिए। उम्मीद है कि भाई को तसल्लीबख्श जवाब मिल गया होगा।